देख लो बल जाएगा फ्लेक वाइट ही मौजूद जरूर तो अपने फुटस्टेप भी दे, लेकिन पीछे रंदियों के कुछ बढ़िया कवर फाइट्स आएंगे एकेएम के साथ एंड फ्लेक जो है वो डाउन हो जाएंगे। गॉडलाइक अभी भी फोर मैन स्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगी। ये जो इनकी पोजीशनिंग है ये काफी ज्यादा मजेदार, क्रेजी की तरफ से वो मॉलोटोव जाएगा, टॉप डॉग का जो फिनिश है वो सिक्योर होगा, क्रेजी जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग तो उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। टीम ऑल होल्ड यहां पर पहली टीम बनती हुई जो एलिमिनेट होंगे इस मैच से। आप देखिए लगभग 19वें मिनट पे ये पहला एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। बात करें टीम गॉडलाइक की, उनको जोन के अंदर जाने और सामने टीम COX RIP स्वागत करने के लिए तैयार है। ग्रेनेड आएगा, नियो को थोड़ा कम एचपी पर जरूर चलेगा, लेकिन वी गॉड बढ़िया स्पेस उनके साइड से जाएंगे, एक खिलाड़ी को वहां पर डाउन किया और अब COX RIP की अगर हम बात करें पूरी तरीके से बैकफुट पे, साथ ही साथ जो जोन का शिफ्ट है वो भी आएगा। आप देखिए जेको बॉय को वो एक लास्ट एचपी पे सरवाइव कर रहे हैं और वहां पर जो पुश है वो हमें देखने को मिल जाएगा। क्लच गॉड अभी आगे की तरफ जाएंगे, ये ग्रेनेड अगर कनेक्शन बनाता है दैट माइट बी द एंड, बट नहीं अभी के लिए कनेक्शन आएगा नहीं। एक गॉड आगे जाएगा और पूरी टीम का सर्वनाश करेगा, पांच फिनिशेस गॉड लाइक के पास, लेकिन जोन उनसे काफी और एक पिक निकालेंगे एक्सो को बाहर करते हुए। गॉड लाइक स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल रियलिटी का फाइट, उनको पीछे एक टीम जो है उनको देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली वहां पे पीछे देख टीम आएगी एंड जी गॉड जो है वो डाउन जरूर हो जाएंगे। टीम ओजी यहां पर अपनी एंट्री लेकर कहेंगे, पीछे से आप देखिए टीएसजी के जो स्क्वाड है वो भी यहां पर आते नजर आएंगे। जॉनसन नियो बहुत ही ज्यादा ओपन में हमें देखने को मिल रहे हैं, वहां पे लेवी जो है वो भी कुछ ग्रेनेड स्पैम करते हुए नजर आएंगे। पूजा वहां पर मौजूद है 247 के एंड लेट्स सी कि वो इस फाइट पे क्या रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। जॉनसन के ऊपर कुछ शॉट देंगे, ये ग्रेनेड कनेक्शन बना सकते हैं, बनाएगा एलिमिनेशन। टीम ओजी का हमें देखने को मिलता है, जॉनसन इज डॉट एचपी सर्वाइविंग, सात फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास ऑलरेडी आ चुके हैं और अब इनको जो गेट कीपिंग करनी है उसमें तत्पर। टीएसजी की अगर हम बात करें एक खिलाड़ी पीछे की तरफ अभी भी मौजूद है, वो उनकी मुश्किलें बढ़ा जरूर से सकता है, बट क्रिश को वहां पर डाउन किया जाएगा। डैडी कुछ ग्रेनेड वापस स्पैम करेंगे, नियो के काफी करीब वो ग्रेनेड जाएंगे, लेकिन अभी भी कोई भी नॉक निकाला नहीं जाएगा। टीम गॉडलाइक स्टिल सर्वाइविंग, बट निंजा के काफी करीब एक ग्रेनेड आएगा, इनफैक्ट उनको डैमेज बहुत सारे नेड्स का पड़ चुका है, उनकी बगी जो थी वो भी ब्लास्टेड हो चुकी है। अगला ग्रेनेड निंजा के लिए काफी खराब हो सकता है, नेड बिल्कुल उनके सामने, एचपी बहुत ज्यादा कम, ही सर्वाइविंग आउट देयर, अपने बिल्कुल सामने स्मोक्स करेंगे, लेकिन सामने रेकनिंग के जुबलेज है उनसे कैसे बच पाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। उनका दो फर्स्ट एड्स है, बट अगला ग्रेनेड अपरार का आएगा, इनफैक्ट दोनों बचे हुए हैं, बट यही दोनों यहाँ पर फाइट निकालने के लिए पूरा पूरा तत्पर। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, डी सिंह क्या वो इनको देख चुके हैं, Yes, he does. Jonathan इस समय अकेला बचा हुआ प्लेयर, बट उनपे भी एक शॉट आया था। क्लच गॉड को अब रिवाइव करने की कोशिश रहेगी, Jonathan के पास पूरा भार यहां पर आ चुका है इस पूरी फाइट का। चिकन रशेस की बात करें, वो गॉडलाइक का पूरा रन यहीं पर रोक सकते हैं। वेल मैक्सी हल्का सा आगे गए थे, अपरार को उन्होंने खोया, पर क्या गॉडलाइक को पता है उनके पीछे रेकनिंग का एक प्लेयर, उनके आगे चिकन रशेस का एक पूरा स्क्वाड है। चिकन रशेस अभी के लिए प्रबल दावेदार जरूर से नजर आ रहे हैं इस मैच में, विनर विनर चिकन रनर निकालने के लिए, क्योंकि अच्छी पोजिशनिंग देखने को मिली है।